हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सो प्रिंटिंग और ग्रेवर प्रिंटिंग के बारे में। इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्यों फ्लेक्सो प्रिंटिंग का आज बहुत ज़्यादा स्कोप है और फ्लेक्सो प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे। फ्लेक्सो प्रिंटिंग ग्रेवर प्रिंटिंग का ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी का वर्जन है। ग्रेवर प्रिंटिंग में हम लोग जो भी किसी भी प्रोडक्ट की इमेज, शेप और जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक धातु बेस्ड सिलेंडर होता है जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर का होता है। जबकि हम फ्लेक्सो प्रिंटिंग में जो भी किसी भी प्रोडक्ट की इमेज, डायग्राम, प्रोडक्ट की डिज़ाइन होती है, वो हम एक फोटो प्लेनर प्लेट्स होती है जिसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ग्रेवर प्रिंटिंग में जितने भी कलर का हमारा जॉब है, उसके हिसाब से जितने भी हमारे सिलेंडर लगे होते हैं, 5-6 जितने भी सिलेंडर होते हैं, हर सिलेंडर के ऊपर एक स्लीव लगी होती है जो कि प्रेशराइज करती है। जबकि फ्लेक्सो प्रिंटिंग में सिर्फ एक इम्प्रेसर रोलर होता है जिसको हम CI इम्प्रेसर बोलते हैं। ग्रेवर प्रिंटिंग में हमारी जो भी ट्रूबिंग होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे इंक स्पॉट की है, चाहे वो इंक लाइन की हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अधिकतर हम लोग उसको ऑनलाइन और रनिंग मशीन में ही सोल्व कर देते हैं। जबकि अगर इस प्रकार की हमारी कोई भी इंक स्पॉट, इंक लाइन या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, फ्लेक्सो प्रिंटिंग में हमको मशीन स्टॉप करके ही कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। ग्रेवर प्रिंटिंग के में हमारी जो GSM होती है, इंक की जो GSM होती है, वो बहुत कम लगती है, अपोजिट फ्लेक्सो प्रिंटिंग के। फ्लेक्सो प्रिंटिंग में जो इंक GSM होती है बहुत हाई लगती है। ग्रेवर प्रिंटिंग में हमारा जो वेस्टेज परसेंटेज होता है, हमारा फिल्म का प्लास्टिक मेटेरियल का, वो बहुत ज़्यादा होता है अपोजिट फ्लेक्सो प्रिंटिंग के अपोजिट। क्योंकि हमारी जो ग्रेवर प्रिंटिंग मशीन, तो बहुत बड़ी मशीन होती है, लंबी मशीन होती है, 15-20 मीटर, 50 मीटर की मशीन होती है, जिसके वजह से वहाँ पे हमारा वेस्टेज परसेंटेज ज़्यादा होता है और फ्लेक्सो प्रिंटिंग में कम होता है। ग्रेवर प्रिंटिंग में कोई भी जॉब को प्रिंट करने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो सिलेंडर है उनको बनने में 10-15 दिन का टाइम लगता है। फ्लेक्सो प्रिंटिंग में हमारा टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स होती हैं, ये एक दिन के अंदर हमारी तैयार हो जाती है और हम Day 1 के अंदर इसको अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। ग्रेवर प्रिंटिंग की क्वालिटी, हमारी जो मटेरियल की क्वालिटी होती है, हमारी जो जॉब की क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है अपोजिट फ्लेक्सो प्रिंटिंग के। क्योंकि फ्लेक्सो प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की ग्रेवर प्रिंटिंग की होती है, इसीलिए ग्रेवर प्रिंटिंग बहुत महंगा पड़ता है और फ्लेक्सो प्रिंटिंग बहुत सस्ता पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सिलेंडर की कॉस्ट होती है, ग्रेवर प्रिंटिंग में सिलेंडर की जो कॉस्ट होती है, बहुत हाई पड़ती है। किस एक सिलेंडर की कीमत लगभग 10,000-15,000, 20,000 तक भी होती है, जबकि यहाँ हमारे फ्लेक्सो प्रिंटिंग में एक प्लेट्स की कीमत 3,000-4,000 होती है। ग्रेवर प्रिंटिंग में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी मेटल प्रिंट करने के लिए, और फ्लेक्सो प्रिंटिंग में बहुत कम टाइम लगता है। इसीलिए हमारे जितने भी जॉब अर्जेंट होते हैं, हम ज़्यादातर उसको फ्लेक्सो प्रिंटिंग में करते हैं। दोनों में डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है, क्योंकि ग्रेवर प्रिंटिंग में भी हम लोग डायरेक्ट सिलेंडर से मेटल पर कोई भी जॉब प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट प्लेट सिलेंडर से ही मेटेरियल पर प्रिंट करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।